मधव दास है, काम गौतम दास का करते हैं। जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र गौतम दास सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। आज जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी पर करी है, वो निंदनीय है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी पर निजी हमला किया है। पहले उनकी जाति को लेकर, उनके सामान्य गरीब परिवार को लेकर, उनकी पृष्ठभूमि को लेकर लगातार कांग्रेस उन पर हमले करती आई है। लेकिन आज जिस प्रकार से उनके मृत पिताजी, जिनका राजनीति से कुछ लेना नहीं है, उनको घसीटकर कांग्रेस ने राजनीति के स्तर को और नीचा कर दिया है। देखिए, इस समय कांग्रेस हताशा के चरम पे है और इसलिए अब नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के आगे, नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वव्यापी इमेज से लेके भारत की एक एक गरीबों के घर तक जो इमेज बनी है, अब उसका सामना कैसे करें? संसद में बहस हुई तो नरेंद्र मोदी जी बोलते समय पूरा उनका कांग्रेस का काला चिट्ठा उजागर कर देते हैं, इनको भागना पड़ जाता है। तो अब कांग्रेसी लोग पवन खेड़ा जैसे लोगों को आगे करेंगे और गाली दिलवाएंगे, कोई बात नहीं। आपको गाली देकर के नरेंद्र मोदी जी को, आपको नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली देकर के संतोष मिल रहा है ना, आप संतोष करो। हम इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो करना है वो करते रहेंगे। आपका गाली देने का पूरा इतिहास है। आप कभी प्रधानमंत्री जी को नीच बोलते हैं, आप कभी प्रधानमंत्री जी के लिए उनकी बूढ़ी माता जी को गाली देते, आज फिर से गाली दिया है, तो कोई बात नहीं, आप गाली दो कांग्रेस के लोगों। इस गाली का जवाब हम समय आने पे देंगे और बाकी देश जवाब देगा। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.